हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं बैद्यनाथ का सुगर फ्री च्यवनप्राश। मेरे पास यहां पे बैद्यनाथ का सुगर फ्री च्यवनप्राश आ चुका है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। यह है मेरे पास च्यवनप्राश बैद्यनाथ का। बहुत से लोगों के गाइस क्वेश्चन थे कि उनके घर में उनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, वो लोग सुगर फ्री ही ले सकते हैं। तो ये च्यवनप्राश जो है बैद्यनाथ का, ये सुगर फ्री आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या आप लोग सुगर फ्री डाइट लेते हो, आप लोग अपनी डाइट में सुगर ऐड नहीं करते हो, तो ये च्यवनप्राश आप बिल्कुल अपनी डाइट में ले सकते हो। एंड गाइस, इस च्यवनप्राश के बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता होंगे। तो ये वीडियो पूरी गाइस एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। एंड गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आपको सुगर फ्री च्यवनप्राश लेना है। तो इसके अंदर गाइस ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशंस इन लोगों ने डाले हैं जो एक नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड अगर आपकी बॉडी, आपकी एज 50 प्लस हो चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके घर में दादा दादी होंगे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अंदर है अश्वगंधा, गोक्षुरा, घी, आंवला, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने ऐड किया है, जावित्री, अकारकारा, कश्मीरी पटाला, पीपल, कौच का बीज, बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो आप नॉर्मल नहीं खा सकते। तो आपको एक चम्मच के अंदर इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है जो आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके एक अच्छे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड शुगर फ्री की बात करें तो डायबिटीज़ वाले इसको बहुत ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि गाइस च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पूरे दिन में एक चम्मच भी खाते हो तो ये मान लो कि आपको उन आयुर्वेदिक के फ़ायदे मिल रहे हैं जो आयुर्वेदिक आपको लाना बहुत मुश्किल है। आप उसको परचेज नहीं कर सकते, आपको इजीली मिलेगा नहीं, वो आपको एक चम्मच में मिल जाता है। तो अभी मैं आपको इसकी एक चम्मच निकाल के भी दिखा देता हूँ एंड हम टेस्ट करते हैं कि शुगर फ्री है तो कैसा इसका टेस्ट है। तो मैं इसको चम्मच से निकाल के दिखा देता हूँ। ये सील पैक है, मैंने इसको अभी खोला भी नहीं है, बट ऑलरेडी मैं इसका एक पैकेट यूज़ कर चुका हूँ, तभी मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये लीक होने लगा तो हम यहीं से इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट गाइस इसका सेम जैसे च्यवनप्राश आता है नॉर्मल, वैसा ही टेस्ट है, बट इसका नाम है च्यवन फिट। च्यवनप्राश इसका नाम नहीं है, नाम इन लोगों ने च्यवन फिट रखा है क्योंकि ये शुगर फ्री है। एंड जो इसकी मिठास है वो मिठास है नेचुरल, नेचुरल जो आयुर्वेदिक की चीज़ें इन्होंने ऐड करी हैं इसके अंदर, आंवला वगैरह, अश्वगंधा वगैरह, उसके अंदर जो मिठास होती है हल्की सी, वो मिठास आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो टेस्ट इसका काफ़ी बेहतर है, और जो आप नॉर्मल वाला ले रहे थे मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप शुगर क्यों ले रहे हो, आप एक हेल्दी चीज़ के अंदर शुगर डाल के क्यों ले रहे हो। आपको वही चीज़ शुगर फ्री में मिल रही है तो आप उसको ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नॉर्मल वाला च्यवनप्राश मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो बट वो शुगर फ्री होना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या ना हो। एंड अगर डायबिटीज़ वाले हैं तो ये है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़। तो गाइस, परचेज आप इसको कहाँ से करोगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से इसको अमेजन से परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और जो इसका प्राइस है, प्राइस इसका यहाँ पर मैंशन होना चाहिए। 1 किलो का ये डब्बा है एंड प्राइस मुझे इसका दिख नहीं रहा। हाँ, प्राइस इसका है 395 रुपीज़, बट मुझे ये थोड़ा सा और सस्ता मिला था क्योंकि अमेजन पे डिस्काउंट वगैरह चल रहा था। तो गाइस, डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अपनी डाइट में इसको ऐड करो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो लोग रोटी चावल खा पा रहे हैं अभी, वो लोग क्या होता है ना, ऐसी एज में आके बंदा दाल खिचड़ी ही खा पाता है क्योंकि बीमारियां इतनी हो जाती हैं, तो अगर वो लोग रोटी खा पा रहे हैं तो आप उसको रोटी में लपेट के उसका रोल बना के उनको दे सकते हो। और अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके भी टिफ़िन वगैरह में इसका रोटी का रोल बना के दे सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ये आपके शरीर को कई स्वस्थ रखता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इसको आप ले लोगे तो आपके पिंपल्स निकलने लग जाएंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था ये कि च्यवनप्राश गर्म होता है, तो ऐसा नहीं है गाइस,
च्यवनप्राश गर्म नहीं होता है, उसके जो तत्व हैं वो गर्म होते हैं बट वो गर्म आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। और शुगर फ्री है तो इसका डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, शुगर आपको नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो। सो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हेल्दी रहो और स्वस्थ रखो अपने आप को, अच्छा खाओ, अच्छी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करो। ओके बाय बाय टाटा।